नमस्कार। अतिथि देवो भव, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हर वर्ष वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा जब होती है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है कि भोले शंकर शिवलिंगम के दर्शन करने आए देश के कोने कोने से किसी भी यात्री पर आतंकवाद का कहर नाम पर दे। इस कदर कड़ी सुरक्षा होती है कि किसी पंछी को भी पर मारना हो तो उसे इजाज़त लेनी पड़ती है। वर्ष 2019 की यात्रा में भी ऐसा ही हुआ, जो अभी ये यात्रा आरंभ है, जो 30 जून से हुई थी। जब ये यात्रा चलती है तो किसी भी यात्री वाहन को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग चलने नहीं दिया जाता, चूंकि हालात ही ऐसे। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पूरी तरीके से चिंताजनक, शर्मनाक और साथ ही साथ बहुत से सवाल खड़े करती हैं प्रशासन पर। जिंदा लोग जो जाते हैं उन्हें आप रोक सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कश्मीर घाटी का अपने पिता के मृतक शरीर को लेकर दिल्ली से आया हो और उसकी मैयत जो है कश्मीर में ले जा रहा हो और उसे रास्ते में रोक लिया जाए तो उसके साथ क्या हालात होंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और निश्चित तौर पर ऐसे कारनामों से पूरा जम्मू कश्मीर शासन पर बदनुमा दाग लगता है। इम्तियाज वानी जो डायरेक्टर फाइनेंस है जम्मू कश्मीर सरकार में, उनके पिता की मृत्यु हो गई दिल्ली में और अपने पिता के पार्थिव शरीर को लेकर वो श्रीनगर जा रहे थे उन्हें अंतिम क्रिया के लिए। इम्तियाज वानी ने खुद बताया है कि जब नगरोटा के आगे पहुंचे तो वहां ने रोक लिया गया और कहा गया कि अभी आप नहीं जा सकते क्योंकि यात्रा आनी और जानी है। इस तरीके का घोर अपमान एक पार्थिव शरीर पर हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। निस्संदेह सीधा सीधे प्रशासन के शासक दोषी नहीं है, मगर उनके अधीन काम करने वाले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, चाहे वो पुलिस के हैं या ट्रैफिक के हैं, क्या उनमें इंसानियत मर गई है कि एक पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी गई। जब कभी भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होता है, खास करके बरसात में और सर्दियों में, तब हमने ना जाने कितने तड़प तड़प कर पोल्ट्री और मुर्गी भेड़ बकरियां मरते देखी हैं। चूंकि कोई रास्ता नहीं, वो श्रीनगर ही जानी थी और इसके लिए कई बार हमने सरकार को चेताया, बताया कि कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दिया जाए कि ये श्रीनगर नहीं जा सकते, उनके लिए कुछ ना कुछ जम्मू क्षेत्र में इंतज़ाम कर दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ और वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं सड़कों पर, न जाने कितनी बार हमने खुद देखा है। मगर अब डायरेक्टर फाइनेंस के पिता इम्तियाज वानी के पार्थिव शरीर को जिस तरह रोका गया, उसमें बहुत बड़ा दाग जो है सरकार पर लगा है। सरकार इसे कैसे धोएगी, क्या कोई जांच बिठाएगी या क्या होगा, ये सरकार बेहतर जाने। चूंकि ये समाचार सिर्फ हमारे पास ही नहीं है, दिल्ली के कुछ प्रमुख अंग्रेजी समाचारों में ये आ चुका है। नमस्कार।